तो दोस्तों अब हम देखेंगे साझेदार के प्रवेश भाग एक में एग्जाम्पल नंबर 22 पे पेज नंबर है दोस्तों 182। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, तो उसके अंदर अब हम क्वेश्चन गिनेंगे और उसकी एंट्रियां देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने पहले वीडियो में नक्की किया था कि पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करेंगे, उसके बाद साझेदारों का पूंजी खाता, उसके बाद रोकड़ ऑब्लिक बैंक और पक्की तल पर। अब जो भव्य श्लोक 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। 31/3/2017 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तल पर निम्न अनुसार थी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम पुराने पक्की तलपट में से एंट्रियां देंगे। तो जो पूंजी है हमारे पास पुरानी पक्की तलपट में, तो पूंजी दायित्व में हो तो हम जमा बाजू लिखेंगे और संपत्ति लेना में हो तो हम उसे उधार बाजू एंट्री देंगे। तो सबसे पहले पूंजी लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। तो हमारे पास पूंजी है दोस्तों 3 लाख, सॉरी यहां पे भव्य में 4 लाख पूंजी है, तो यहां पे लिखेंगे 4 लाख और इसकी पूंजी दी गई है 3 लाख। ओके, अब अनामत, सबसे पहले हम पूंजी लिखेंगे। सेकंड स्टेप है दोस्तों अनामत। तो अनामत हमारे पास से सामान्य अनामत है। तो अगर साझेदारों की पक्की तलपट में हमारे पास अनामत दी गई है तो उसे हम पुराने लाभ हानि के अनुपात में बांट देंगे। तो यहां पे लिखेंगे सामान्य अनामत। अनामत तो सामान्य अनामत है दोस्तों हमारे पास 90,000, उसको 3:2 के अनुपात में बांट देंगे तो 90,000 इंटू 3/5 54,000 और दूसरा आएगा 36,000। अब देखो यहाँ पे आयुष के हिस्से में कुछ भी बांटा नहीं जाएगा क्योंकि ये जो अनामत है ये पुराने साझेदारों ने अपने प्रॉफिट में से जमा के रखी थी भूतकाल में। अब जब नया साझेदार प्रवेश हो रहा है तो ये पहले अपना अपना पूरा हिस्सा क्लियर कर देंगे, उसके बाद नई साझेदारी की पेड़ी इसके बाद से स्टार्ट हो रही है, बराबर है। तो कारीगर मुआवजा अनामत है, फिर उसके बाद हमारे पास 20,000, तो यहां पे लिखेंगे कारीगर मुआवजा अनामत। तो दोस्तों कारीगर मुआवजा अनामत है हमारे पास 20,000, तो उसे बांट देंगे 3:2 के अनुपात में, 20,000 × 3/5, तो यहां पे आएगा 12,000 और बचा 8, तो यहां पे लिखेंगे 8,000। उसके बाद दोस्तों विनियोग अनामत दी गई है, तो विनियोग अनामत भी बांट देंगे। तो विनियोग अनामत भी बांट देंगे, तो विनियोग अनामत है हमारे पास 10,000 × 3/5, तो यहां पे आएगा 6,000 और यहां पे लिखेंगे 4,000। अब उसके बाद है दोस्तों सबसे पहले स्टेप फिर से रिपीट करते रहूंगा, सबसे पहले पूंजी लिखेंगे, उसके बाद अनामत और अनामत के संबंधित समायोजन। अब यहाँ पे अनामत के संबंधित समायोजन नहीं दिए गए, ओके, तो हम डायरेक्ट ही अनामत साझेदारों के बीच में बांट देंगे। लेकिन कौन से साझेदारों के बीच में? पुराने साझेदारों के बीच में पुराने अनुपात में बांटेंगे। अब दोस्तों हमें स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाने के बाद हमें ख्याति दी गई है, तो ख्याति संपत्ति में दी गई है तो उसे हम उधार बाजू बांट देंगे। ख्याति
ख्याति खाता। तो ख्याति है दोस्तों हमारे पास 1 लाख, तो 1 लाख को बांटेंगे 3:2 के अनुपात में, तो यहां पे आएगा 60,000 और यहां पे दोस्तों आएगा 40,000। यहां पे अनुपात भी लिख देता हूं जिससे आपको ख्याल रहे, 3 और 2, 3 अनुपात भव्य का है, 2 अनुपात श्लोक का है। अब उसके बाद विज्ञापन अभियान खर्च दिया गया दोस्तों, ये अवास्तविक संपत्ति है। तो ये अवास्तविक संपत्ति संपत्ति लेना में है तो हम उसे क्या लिखेंगे, उधार बाजू लिख देंगे विज्ञापन अभियान खर्च खाता। तो विज्ञापन अभियान है हमारे पास 10,000, उसको 3:2 के अनुपात में बांट देंगे तो यहां पे आएगा दोस्तों 6,000 और यहां पे आएगा 4,000। आयुष में अभी कोई एंट्री नहीं आएगी, जब समायोजन स्टार्ट होगा तब आयुष में एंट्री आएगी। अब सबसे पहले पूंजी, उसके बाद अनामत और अनामत से रिलेटेड समायोजन, तीसरा पॉइंट है ख्याति, चौथा पॉइंट है अवास्तविक संपत्तियां, उसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट है हमारा रोकड़ ऑब्लिक बैंक, तो वो भी संपत्ति में दिया गया है तो यहां पे लिखेंगे शेष आगे लाए। तो दोस्तों शेष आगे लाए हमारे पास कितना है, तो 50,000। ये सब एंट्रियां हो जाने के बाद अब हम समायोजन की तरफ जाएंगे। तो समायोजन की तरफ जाने से पहले पुनः मूल्यांकन खाते का नियम रिपीट कर रहा हूं दोस्तों मैं, और दिवाली के पहले जितने भी वीडियो बनाए थे पुनः मूल्यांकन खाते के, आप वो देख के नियम फिर से रिपीट याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हो। तो फिर से और एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे धंधे में संपत्तियां बढ़ जाती है तो उसका जो डिफरेंट होता है वो हम पुनः मूल्यांकन खाते के जमा बाजू लिखेंगे, या तो फिर हमें फायदा होता है या तो फिर किसी के पास से रकम लेनी है तो हम सब जमा बाजू लिखेंगे। अगर संपत्तियां घटती है या कुछ खर्च होता है या फिर किसी को दायित्व चुकाना है तो उधार बाजू लिखेंगे। तो इसे कहते हैं कि संपत्तियां बढ़े तो जमा बाजू, संपत्तियां घटे तो उधार बाजू, अगर दायित्व बढ़े तो उधार बाजू और दायित्व घटे तो जमा बाजू, खर्च या नुकसान हो तो उधार बाजू, उपज या आय हो तो जमा बाजू। तो आगे समायोजन के हिसाब से हम एंट्रियां देंगे। तो यहाँ पे पक्की तलपट के नीचे समायोजन दिए गए, उन्होंने तारीख 1/4/17 से आयुष को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों से प्रवेश देने का निश्चय किया है दोस्तों। और यहां पे पहला समायोजन है आयुष ₹5 लाख, आयुष ₹5 लाख पूंजी के रूप में और 1 लाख ख्याति पेटे रोकड़ लाएगा। अब आयुष पूंजी के तौर पे कितना ला रहा है, तो 5 लाख, तो जब रोकड़ आए तो उधार, तो रोकड़ खाते के उधार बाजू लिखेंगे आयुष के पूंजी खाता, आयुष के पूंजी खाता दोस्तों, तो 5 लाख यहां पे उधार। तो सेकेंड एंट्री यहां पे लिखेंगे रोकड़ ऑब्लिक बैंक, तो रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता दोस्तों, तो आयुष में कितना लिखेंगे, 5 लाख लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों उसी के साथ दूसरा समायोजन भी अटैच किया हुआ है इन्होंने कि 1 लाख ख्याति पेटे रोकड़ लाएगा,
तो रोककर ला रहा है ना, कौन ला रहा है? आयुष। तो यहां पे लिखेंगे ख्याति, प्रीमियम खाता। एक लाख ख्याति प्रीमियम खाता, 1 लाख। अब ये ख्याति प्रीमियम खाता पुराने साझेदारों के बीच में त्याग के अनुपात में बांट दिया जाएगा। जो साझेदार पुराने यानी जो पुराने साझेदार नए साझेदार को अपने हिस्से में से जितना हिस्सा देंगे, वो उतनी ही नए साझेदार की ख्याति की रकम लेके जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाता। तो 1 लाख है दोस्तों, तो उसे हम त्याग के अनुपात में बांट देंगे। अब त्याग के अनुपात में बांट देंगे तो उसके पहले दोस्तों हमें त्याग का अनुपात ज्ञात करना होगा। तो त्याग का अनुपात ढूंढेंगे हम। तो यहां पे देखो दोस्तों, मैं गिनती कर रहा हूं त्याग के अनुपात की। तो उसके लिए सूत्र है त्याग का भाग, पुराना भाग माइनस नया भाग। तो दोस्तों यहां पे हमारे पास दो साझेदार है, भव्या और श्लोक। तो भव्य का पुराना भाग है 3/5 और श्लोक का है 2/5। अब दोस्तों नया भाग कहां पे दिया गया हमें? तो समाजन नंबर 6 में हमें नया भाग दिया गया है लाभ हानि का 2/1/2। तो हम उसमें से सिर्फ भव्य और श्लोक का ही हिस्सा लेंगे। तो 2/5 और 1/5 सही है। तो यहां पे जैसे 2/1/2 है, तो ये भव्य का है, ये श्लोक का है और ये आयुष। तो आयुष का तो हमें ढूंढना नहीं है, तो अब हम सिर्फ इन दोनों का ध्यान में लेंगे। तो अनुपात, तो इसका अनुपात है 2/5, 1/5। अब हम त्याग हुआ या लाभ हुआ देखेंगे। तो बटे में जो रकम है वो सेम है, तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। और 3 में से 2 गए तो 1 बचा, फिर यहां पे भी 2 में से 1 गया तो 1 बचा और 1/5। तो दोनों ने समान हिस्सों में त्याग किया है, तो त्याग का अनुपात होगा 1:1। समान हिस्से में त्याग किया है दोनों ने। तो अब हम जो नया साझेदार ख्याति की रकम ला रहा है 1 लाख रुपए, तो उसे हम समान हिस्सों में बांट देंगे। तो यहां पे देखो दोस्तों, नया साझेदार ख्याति की रकम 1 लाख रुपया लाया है, तो उसे 1:1 के अनुपात में बांट देंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं अनुपात 1:1। अब यहां पे लिखेंगे 50,000 और यहां पे भी लिख देंगे 50,000। ओके, अब बाकी के समायोजन की एंट्री हम देंगे। तो समायोजन नंबर 2, जमीन मकान की कीमत ₹80,000 से बढ़ानी है, यानी 80,000 से बढ़ानी है। अब जब हम समायोजन सोल्व करेंगे तो समायोजन पढ़ेंगे और उसके बाद पक्की तलपट में एंट्रियां देखेंगे। तो दोस्तों यहां पे देखो, जमीन मकान ऊपर हमें कितना दिया गया है? 3,50,000। और हमें समायोजन नंबर 2 में क्या बताया गया है कि जमीन मकान की कीमत ₹80,000 से बढ़ानी है। तो यहां पे संपत्ति में लिखेंगे जमीन मकान। तो दोस्तों हमारे पास जमीन मकान दिया गया है 3,50,000।
अब उसके अंदर हम वृद्धि कर देंगे, तो वृद्धि करेंगे दोस्तों 80,000 की। तीन लाख 50,000 प्लस 80,000 तो दोस्तों 4,30,000, 4,30,000। अब नई जमीन मकान की कीमत हो गई। अब जमीन मकान में वृद्धि हुई दोस्तों, तो संपत्ति में अगर वृद्धि होती है तो हम पुनः मूल्यांकन खाता के जमा बाजू लिखेंगे। तो यहां पे जमीन मकान खाता लिखेंगे, जमीन मकान खाता, और उसके अंदर लिखेंगे वृद्धि 80,000। उसके बाद दोस्तों समायोजन नंबर 3 में ये बताया गया है कि यंत्रों की कीमत रुपया 1,80,000 तक घटानी है। तो यंत्र हमारे पास है कितने, 2,00,000, और उसकी कीमत हमें 1,60,000 तक घटानी है। तो हम यहां पे लिखेंगे दोस्तों यंत्र हमारे पास 2,00,000 है पुरानी पक्की तलपट में, अब घटाकर हमें करनी है 1,60,000। तो कमी कितनी हुई, 40,000 की। तो दोस्तों अगर संपत्ति में कमी होती है तो हम उसे पुनः मूल्यांकन खाते के उधार बाजू लिखेंगे, यंत्र खाता कमी। तो दोस्तों यहां पे लिखेंगे 40,000। उसके बाद देनदारों पर 10% की डुबत ऋण अनामत रखनी है। अब दोस्तों हमारे पास देनदार कितने दिए गए, तो पुरानी पक्की तलपट में 1,20,000 देनदार है। अब उसके अंदर डुबत ऋण अनामत 10% रखनी है, 10% डुबत ऋण अनामत रखनी है, तो कितने हो गए, 12,000। तो यहां पे लिखेंगे दोस्तों 1,08,000। अब देखो दोस्तों कि यहां पे हमारे पास डुबत ऋण अनामत पहले से ही 10,000 दी गई है। अब डुबत ऋण अनामत 10,000 से बढ़कर 12,000 हो गई, और डुबत ऋण अनामत हमारे धंधे के लिए नुकसान है, तो हम उसकी एंट्री कहां पे देंगे, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार बाजू, डुबत ऋण अनामत खाता 2,000। ओके नेक्स्ट। और उसके बाद दोस्तों आगे नहीं चुकाए मरम्मत खर्च के, नहीं चुकाए मरम्मत खर्च के 8,000 का प्रावधान करना है। अब देखो दोस्तों यहां पे समायोजन नंबर 5 में बताया गया है कि मरम्मत खर्च के लिए 8,000 का प्रावधान करना है, यानी हमें प्रावधान करना है यानी चुकाना बाकी है। तो मरम्मत खर्च है हमारे लिए 8,000, तो यहां पे लिखेंगे अगर दायित्व बढ़ जाता है तो उधार बाजू लिखेंगे, और अगर दायित्व घट जाता है तो जमा बाजू लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे चुकाना बाकी 8,000 तो 8,000 लिखेंगे दोस्तों हम यहां पे, और दायित्व बढ़ा तो हम दायित्व में लिखेंगे चुकाना बाकी 8,000।
अब जो लास्ट वाला समायोजन था, समायोजन नंबर 6, तो दोस्तों वो तो हो गया जिसके ऊपर से हमने त्याग का अनुपात ज्ञात किया था। फिर से एक बार यहां तक के नियम रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम पूंजी लिखेंगे, उसके बाद समायोजन और समायोजन से संबंधित, सॉरी, उसके बाद सबसे पहले पूंजी, उसके बाद अनामत और अनामत से संबंधित समायोजन, तीसरा ख्याति, चौथा अवास्तविक संपत्तियां और पांचवा रोकड़ ऑब्लिक बैंक। अगर हमें लाभ हानि दिया जाए तो हम लाभ हानि भी एंट्री कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हर समायोजन की दो एंट्री देंगे। अगर संपत्तियां बढ़ जाती है तो पुनः मूल्यांकन में जमा बाजू, और घट जाती है तो पुनः मूल्यांकन में उधार बाजू। दायित्व बढ़ जाए तो पुनः मूल्यांकन में उधार बाजू, और दायित्व घट जाए तो पुनः मूल्यांकन में जमा बाजू। खर्च या नुकसान हो तो पुनः मूल्यांकन के उधार बाजू एंट्री देंगे, और दायित्व बढ़ जाता है तो पुनः मूल्यांकन के उधार बाजू, और दायित्व घट जाता है तो पुनः मूल्यांकन के जमा बाजू एंट्री देंगे। तो दोस्तों अब उसके आगे की बात करेंगे। तो हमने पक्की तलपट में से एंट्रियां कर ली, अब समायोजन की भी दो एंट्रियां दे दी। अब बात आएगी कि जिस संपत्ति और दायित्व पे समायोजन नहीं दिए गए हैं, ऐसी संपत्ति और दायित्व हम पक्की तलपट में एक बार उसी दिशा में एंट्री उतनी ही रकम से देंगे। तो जैसे कि देखो दोस्तों, पुराने पक्की तलपट में आ जाइए, भव्य श्लोक, उसकी एंट्री दे दी पूंजी की, सामान्य अनामत, कारीगर मुआवजा अनामत, विनियोग अनामत, इन सब की भी एंट्री हमने दे दी, लेकिन लेनदार पे कोई समायोजन नहीं है और देनी हुंडी पे भी कोई समायोजन नहीं है, तो हम ये दो एंट्री सेम साइड उतनी ही रकम से दर्शा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे दोस्तों लेनदार, तो लेनदार है दोस्तों हमारे पास 1,40,000, और देनी हुंडी है दोस्तों 60,000। अब उसके पास जमीन, उसके बाद संपत्ति लेना में आएंगे। ख्याति की एंट्री हमने दे दी है, जमीन मकान की भी एंट्री हमने दे दी है, यंत्र भी हो गया है, स्टॉक बाकी है, तो स्टॉक हम ऐसे कैसे लिख देंगे स्टॉक। तो दोस्तों स्टॉक की रकम है हमारे पास 1,80,000। उसके बाद देनदार, फिर देनदार की भी एंट्री हो गई विनियोग, तो यहां पे लिखेंगे विनियोग, तो विनियोग है दोस्तों हमारे पास 20,000, तो 20,000 की एंट्री देंगे हम यहाँ पे। रोकड़ ऑब्लिक बैंक, उसकी भी हमने एंट्री दे दी है, और विज्ञापन अभियान खर्च हमने साझेदारों के बीच में बांट दिया है। तो यहाँ पे कोई भी चीज बाकी नहीं है अभी, तो सबसे पहले हम खाता क्लोज करेंगे पुनः मूल्यांकन खाते का, और उसके अंदर से हमें जो कुछ भी लाभ या हानि होती है वो साझेदारों के बीच में बांट दी जाएगी। तो यहां पे दोस्तों देखो 80,000 सबसे ज्यादा रकम दिख रही है जमा बाजू, यहां पे भी हम 80,000 लिख देंगे। अब यहां पे माइनस करने के बाद तो 80,000 में से 40,000, 2,000 और 8,000 हम माइनस कर देंगे, तो दोस्तों हमारे पास लाभ हुआ, हमें लाभ हुआ, यानी संपत्ति की कीमत खर्च से ज्यादा थी तो लाभ हुआ, तो ये 30,000 लाभ हुआ दोस्तों हमें। तो इसे हम साझेदारों के बीच में बांट देंगे।
अब भव्य और श्लोक के बीच में बांटेंगे, आयुष के बीच में बांटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो इस साल वो ज्वाइंट हुआ है साझेदारी पीढ़ी में, अब पूरे साल वो पीढ़ी में काम करेगा, उसके बाद उसको नेक्स्ट ईयर साझेदारी पीढ़ी में लाभ या हानि होगा, उसके अंदर उसका हिस्सा होगा। अभी इसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो ये 30,000 जो लाभ है उसे 3:2 के अनुपात में बांट देंगे, तो ×3/5, तो दोस्तों यहां पे 18,000 आएगा और यहां पे 12,000। अब ये जो उधार बाजू है उसे हम जमा बाजू लिख देंगे, तो साझेदार के जमा बाजू लिखेंगे दोस्तों, पुनः मूल्यांकन खाता, और यहां पे लिखेंगे लाभ। तो 18,000 जो लाभ हुआ वो आयुष को देंगे और 12,000 श्लोक को। अब इसका टोटल करेंगे दोस्तों हम, सबसे पहले आयुष, तो उसकी 5 लाख पूंजी थी तो यहां पे लिख देंगे 5 लाख। अब माइनस करने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, तो यहां पे लिखेंगे 5 लाख और यहां पे लिख देंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। अब टोटल करेंगे इन सभी अंकों का, यहाँ पे भव्य श्लोक का टोटल करेंगे 3 लाख, फिर 36,000, 8,000, 4,000, 50,000 और 12,000। तो दोस्तों हमारा कुल योग आएगा 4,10,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,10,000। अब यहाँ पे भी लिख देंगे 4,10,000। अब 4,10 में से भव्य की जो उधार बाजू की जो बाकी है उसको माइनस कर देंगे हम, तो 40,000 - 4,000, तो दोस्तों 3,66,000 रकम बची है, तो उसकी अंतिम पूंजी होगी। उसके बाद भव्य का कुल योग करेंगे 4 लाख, फिर उसके बाद 54,000, 12,000, 6,000, 50,000 और 18,000। यहाँ पे लिखेंगे 5,40,000 इसका कुल योग हुआ भव्य का, यहाँ पे भी 5,40 लिख देंगे और इसके अंदर से माइनस करेंगे दोस्तों हम 60,000 और 6,000, तो 4,74,000 अंतिम शेष बची है। तो अंतिम पूंजी थी ये। अब ये जो पूंजी हमने ज्ञात की है, ये जो पूंजी हमने ज्ञात की है उसे पक्की तलपट में ले जाएंगे, तो पक्की तलपट में पूंजी यहां पे दर्शाएंगे, पूंजी दायित्व में भव्य श्लोक और आयुष। पहले 2 साझेदार थे, अब 3 साझेदार की पूंजी हो जाएगी 4,74,000, 3,66,000 और 5 लाख। इन सब का कुल योग करेंगे दोस्तों हम, यानी 13,40,000 हमारे पास पूंजी हुई दोस्तों। अब हम रुककर खाता क्लोज करेंगे, सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाता, उसके बाद साझेदार का पूंजी खाता, तीसरा नकद खाता क्लोज करेंगे। तो 6,50,000,
और यहाँ पे माइनस करने के लिए यानी कोई नकद गई नहीं है, तो जो रकम बची है वही लिखेंगे शेष आगे ले गए 6,50,000। अब ये रोकड़ है हमारे पास, तो ये हमारी संपत्ति हुई, तो हम इसको संपत्ति में लिखेंगे रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता। तो हमारे पास है दोस्तों रोकड़ ऑब्लिक बैंक ही लिखेंगे 6,50,000। अब इन सब का टोटल कर देंगे हम, और दोनों बाजू का टोटल इक्वल होना चाहिए दोस्तों, तब जाके क्वेश्चन सही है ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो कुल योग है पक्की तलपट का वो आ रहा है 15,48,000, और इस साइड का भी टोटल करेंगे 4,30,000, 1,60,000, 1,08,000, 1,80,000, 20,000 और 6,50,000। तो दोस्तों दोनों बाजू का टोटल समान है आ गया है, तो ये क्वेश्चन सही है ऐसा हम कह सकते हैं। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर पे या तो फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों।